हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन। नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं ढोलकपुर से आया हूँ। ये जो आप लड्डू देख रहे हैं ना, वो मैं ढोलकपुर से लाया हूँ अपने साथ। सुना रहे थे तुम? क्या चुटकुला सुना रहे थे? अभी मुझे चुटकुला सुना रहे थे। एक लड़की थी बूढ़ी सी, गांव में रहती थी। उसके तीन बेटे थे। एक का नाम था फटी, एक का नाम था टूटी, एक का नाम था पलचन। एक साधु आता है, एक संत। वो तक वो लड़की पूछती है कि आप बैठेंगे? तो साधु बोलता है हाँ हाँ। तो टूटी अपने बच्चे से बोलती है कि बेटा टूटी कुर्सी ला। तो वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं चटाई पे ही बैठ जाऊँ। तो चटाई लाने के लिए बेटा फटी चटाई ला। उसके बच्चे का नाम फटी भी था। उसके बाद जब जाने लगते हैं तो बोलती है कि आप ऐसे ही जाएंगे क्योंकि आपके लिए कुछ मंगवा देती है। तो उसके बेटे का नाम पंचर भी था। तो बोलती है कि बेटा पंचर साइकिल ला। तो साधु बोलता है हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, एक बतख थी, उसके दो बच्चे थे। एक का नाम था, एक का नाम था, ठीक है। तो जब वो कुबरा तो आता। तो फिर वो एक दिन डॉक्टर के आ गई ना। तो उसने डॉक्टर से कहा, जब मैं कुबरा तो आता है। तो डॉक्टर ने कहा तुम कलम रख दो। तो फिर जब फिर उसने कलम रख दिया, ठीक है। जब फिर वो कुबरा तो आता। गुड, डॉक्टर बहुत अच्छा था। ये दया बेन लाइट है। दया बेन है ना, क्या नाम उसका? दया नाम है। नहीं, वो दया दूसरा है। दया बेन है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन। नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं ढोलकपुर से आया हूँ। ये जो आप लड्डू देख रहे हैं ना, वो मैं ढोलकपुर से लाया हूँ अपने साथ। अरे भैया, कुछ ऐसे बोल रहे थे। मैं कपिल शर्मा के शो में आई थी नहीं, एज अ गेस्ट, एज अ ऑडियंस आई। वो सुनाओ, वो चुड़ैल गाना चुड़ैल। आई एम नॉट अ वॉइस आर्टिस्ट। सो हाँ, तो कह रहा था ना मम्मी कि इसको जोड़ दीजिएगा वाले पिछले वाले वीडियो को जिसमें दया बेन की आवाज करी थी। ये वो हाँ। चुड़ैल वाला हाँ, जो जिसमें उसके एक लड़की। अच्छा, एक लड़की थी, एक औरत थी। ये लड़की के चार लोग अंदर बूढ़ी लड़की बताइए, बूढ़ी लड़की कहीं होती है? एक औरत के चार बच्चे थे। एक का नाम टूटी था, एक का नाम फटी था, और एक का नाम मरी था, एक का नाम छुड़ैल था। तो लड़के आते हैं, तो वो लड़की औरत बोलती है कि आप कुर्सी पे बैठेंगे कि चटाई पे? तो वो बोलते हैं कि मैं कुर्सी पे बैठूंगा। तो अपने बच्चे से बोलती है, टूटी कुर्सी ले आ। बेटे टूटी कुर्सी ले आ। तो उन्हें बोलते चटाई पे, तो मत बोलो। तो लोग बोलते हैं कि चटाई पे ही बैठ जाएंगे नीचे ही। तो अपने बच्चे से कहती है कि बेटा फटी चटाई ला। तो लोग बोलते हैं कि जमीन पे ही लोग बैठ गए। तो उसके बाद उसके बाद वो बोलती है कि आप चाय पियेंगे कि दूध पियेंगे? तो वो बोलती है कि चाय पियेंगे। तो बोलती है कि बेटा मरी भैंस का चाय ला। मरी भैंस के दूध की
चाय लेके आ गए। मेरी भैंस के दूध का चाय ले गया तो वो बोलते नहीं नहीं ठीक है हमने लड़की को बुलाई है कि बेटा चुड़ैल लड़की को कुर्सी टूटी फिर चटाई फटी फिर डायर मतलब इतना इतना भी कोई उसके बाद वहां बैठे थे मतलब कितना ज्यादा डेस्परेट थे वो अपनी लड़की की शादी कराने के लिए। ओह माय गॉड। Okay.